आइए जानते हैं अघोरियों के रहस्यमय दुनिया के बारे में। अघोरी जो श्मशान में मुर्दों को खाने जैसे घोर कर्म करने वाले अघोरी कहलाते हैं, वास्तव में ऐसे घोर कर्म करने वाले घोरी हैं, किंतु सामाजिक जीवन में ऐसे कठोर और अशुभ शब्दों का प्रयोग या उच्चारण वर्जित है, इसलिए इन्हें अघोरी कहने की बजाय अघोरी कहते हैं। प्रत्येक मानव जन्मजात रूप से अघोर अर्थात सहज होता है। बालक ज्यों ज्यों बड़ा होता है त्यों वह अंतर करना सीख जाता है और बाद में उसके अंदर विभिन्न बुराइयां और सहजताएं घर कर लेती हैं और वह अपने मूल प्रकृति यानी अघोर रूप में नहीं रह जाता है। अघोर साधना के द्वारा पुनः अपने सहज और मूल रूप में आ सकता है और इस मूल रूप का ज्ञान होने पर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अघोर संप्रदाय के साधक समदृष्टि के लिए नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को पात्र के तौर पर प्रयोग करते हैं। चिता के भस्म का शरीर पर लेपन और चिताग्नि पर भोजन पकाना इत्यादि सामान्य कार्य हैं। अघोर दृष्टि में स्थान भेद भी नहीं होता, अर्थात महल या श्मशान घाट एक समान होते हैं इनके लिए। आइए जानते हैं इनके रहस्यमय दुनिया के बारे में कुछ अनजानी और रोचक बातें। आज भी ऐसे अघोरी और तंत्र साधक हैं जो पराशक्तियों को अपने वश में कर सकते हैं। ये साधनाएं श्मशान में होती है और दुनिया में सिर्फ चार श्मशान घाट ही ऐसे हैं जहां तंत्र क्रियाओं का परिणाम बहुत जल्दी मिलता है। ये है तारापीठ का श्मशान पश्चिम बंगाल, कामाख्या पीठ असम का श्मशान, त्र्यंबकेश्वर नासिक और उज्जैन मध्य प्रदेश का श्मशान इनके लिए उपयुक्त जगह है। तारापीठ, यह मंदिर पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में एक छोटा शहर है। यहाँ तारा देवी का मंदिर है। इस मंदिर में माँ काली का एक रूप तारा माँ की प्रतिमा स्थापित है। रामपुर हाट से तारापीठ की दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस स्थान को नयन तारा भी कहा जाता है। तारापीठ मंदिर का प्रांगण श्मशान घाट के निकट स्थित है। इसे महाश्मशान घाट के नाम से जाना जाता है। इस महाश्मशान घाट में जलने वाली चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है। यहाँ आने पर लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं लगता। मंदिर के चारों ओर द्वारका नदी बहती है। इस श्मशान में दूर दूर से साधक साधनाएं करने आते हैं। मुख्य रूप से अघोरियों का मूल स्थान है। दूसरा जो पीठ है वो कामाख्या पीठ है। असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या मंदिर है। यह मंदिर एक पहाड़ी पर बना है, वह इसका तांत्रिक महत्व भी है। प्राचीन काल से सतयुगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम राज्य की राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलांचल अथवा नीलशैल वर्तमान पर्वतमालाओं पर स्थित माँ भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। यही भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। यह स्थान तांत्रिकों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ स्थित श्मशान में भारत के विभिन्न स्थानों से तांत्रिक तंत्र सिद्धि प्राप्त करने के लिए आते हैं। तीसरा जो स्थान है वो नासिक है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। यहाँ के ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। मंदिर के अंदर एक छोटे से गड्ढे में तीन छोटे छोटे लिंग हैं, ब्रह्मा विष्णु और शिव। इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियाँ बनी हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और शिखर पर पहुँचने पर गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का देवता माना जाता है। तंत्र और अघोरवाद के जन्मदाता भगवान शिव ही हैं। यहाँ स्थित श्मशान भी तंत्र क्रिया के लिए प्रसिद्ध है।
चौथा स्थान आता है उज्जैन। भगवान शिव की नगरी महाकालेश्वर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित है। स्वयंभू भव्य और दक्षिण मुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव की अत्यंत पूर्णदायी माना जाता है। इस कारण तंत्र साधना में भी शिव के इस शहर को बहुत जल्दी फल देने वाला माना गया है। यहाँ के श्मशान में दूर दूर से साधक तंत्र क्रिया के लिए आते हैं। धन्यवाद।